आप सभी ने एक से सैक लोगों का प्रेम कहानी तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने नोबिता और सिजुका का प्रेम कहानी सुना है? मगर क्यों? पिछली वीडियो में हमने बात किया था डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की कहानी के बारे में, और ये बात किया था कि डोरेमोन कैसे खराब हो जाता है, नोबिता उसको कैसे ठीक करता है। और वो एपिसोड जो है पूरा दोस्ती का असली उदाहरण देता है कि किस तरह अगर दोस्त मुसीबत में फंस जाए तो किस तरह सामने वाला दोस्त उसकी मदद करता है। फिर मैं सोचा कि अगर मैंने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में मैंने नोबिता और डोरेमोन का अगर दोस्ती यारी दिखाया तो क्यों ना ऐसा करे क्या नोबिता का सीधा प्रेम कहानी दिखाया जाए। वैसे तो हम लोगों ने नोबिता का दोस्ती यारी तो देख लिया, लेकिन अब उसकी अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे, तो हो सके तो ये वीडियो सब पूरा देखना। अब हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कई लोग कहेंगे कि अरे तेरे पास क्या कुछ काम धंधा नहीं है क्या जो ये सब कर रहा है। वैसे सच बताए तो हाँ, सच में कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए टाइम पास के लिए बस यही सब करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम डोरेमोन के कुछ ऐसे एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे एपिसोड दिखाएंगे जो इस बात का सबूत है कि नोबिता और सिजुका में दोस्ती यारी नहीं चल रहा, बल्कि प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो तुम सब ये मत सोचना कि नोबिता जो है वो सिजुका के चक्कर में स्कूल के जमाने से पड़ गया था। अरे वो तो सिजुका के चक्कर में पहले से ही पड़ा था, वो भी बचपन से। जब हम बड़े हो जाएंगे तब मुझसे शादी करोगी ना सिजुका? हाँ करूंगी नोबिता, चलो प्रॉमिस करते हैं। बताओ भाई साहब, आजकल के जवान लौंडे लोगों का सेटिंग नहीं हो पाता और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी सेटिंग करना शुरू कर दिए हैं। फिर आगे के एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि नोबिता जो है वो डोरेमोन के गैजेट की मदद से सिजुका को अपने काबू में कर लेता है और फिर बाद में दोनों मिलकर एक साथ खीर पूरी खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया शिजुका। और लो ना। लो शिजुका, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, आ करो। अरे ये तो बहुत ठंडी है नोबिता। शिजुका एक बात कहूँ, तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो। नोबिता, नोबिता तुम भी ना। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बस यार इसके आगे का सीन और नहीं दिखा सकता, क्योंकि जानता हूँ जो लोग ऐसा सिंगल जी रहे हैं वो अगर ऐसा एपिसोड देखेंगे तो उनको भी उल्टा दुख पहुँचेगा। वो सब छोड़ते सीधा आगे के बारे में बात करते हैं। अब डोरेमोन के एक एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि नोबिता, सिजुका और डोरेमोन तीनों जन मिलके दारू पी रहे होते हैं और दारू के नशे में कुछ ऐसा ऐसा कांड करते हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। चलो दोस्तों और पीते हैं। ओके हाँ, मैं डालती हूँ। हाँ दो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो सिजुका। मजा आ गया। बाय। अच्छा तुम लोग ठीक से घर पहुँच तो जाओगे ना नोबिता? बोलो। हाँ पहुँच जाएगी सिजुका। चलो ये दोबारा करते हैं। अरे अरे ठरकी बाज, रुक जा। और आगे ये दिखाया जाता है जब दोनों का नशा उतर जाता है और जब दोनों जन घर पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि नोबिता अपना कच्छा जो है वो सिजुका के घर में ही भूल जाता है। सुनो नोबिता, ये सब क्या है? ये सिजुका की मॉम वापस लाई है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इसे सिजुका के घर पर क्यों छोड़कर आ गए थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब डोरेमोन के एक और एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि नोबिता जो है वो डोरेमोन की गैजेट की मदद से सुजुका जैसी एक और दूसरी सुजुका तैयार करता है अपने टाइम पास के लिए, लेकिन फिर बाद में नोबिता उन दोनों ही सुजुका के बीच में फंस जाता है। ये झूठ बोल रही है। देखो नोबिता, मैं कह रही हूँ मैं असली हूँ। अगर ये गलत सुजुका के हाथ में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जो गायब होगा वो कभी नहीं आएगा। नोबिता मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। ओके कल मुझे टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? कल टेस्ट में तुम्हें जीरो मिला था। सही जवाब। मेरा पसंदीदा काम? आराम से सोना। सही जवाब। तो फिर बताओ मेरा पसंदीदा खाना? हैरी राइस। दोनों ने सही जवाब दिया। ये तो मुश्किल है, क्या करूं? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुक जा नोबिता, मैं तेरे को सुझाव देता हूँ, उससे अच्छा तू इमरान हाशमी के स्टाइल में सवाल जवाब पूछना शुरू करना। अरे मैं तो भूल ही गया, इमरान हाशमी तो कुछ और भी करता है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम जैसे बुद्धू लड़के को कौन पसंद करेगा? वो मैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? बोलो, ऐसा बुद्धू भी किसी को पसंद हो सकता है? नोबिता। शिजुका। अरे नहीं। बस भाई सब, तुम सब अब यही समझ जाना कि इसी एपिसोड के बाद जो है नोबिता का अपना खुद का माया का कहानी शुरू हो जाता है। मोरो शुरू हो जाती माया के कहानी। मोरो शुरू हो जाती माया के कहानी। शुरू हो जातिस माया के कहानी। एक खाता मोर कोती देख लेते रानी। बता भाई सब, सबका अपना अपना माया का कहानी शुरू हो गया, बस पता नहीं मेरा कहानी कब शुरू होगा। फिर डोरेमोन के एक एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि डेकीसुगी जो है वो सिजुका को प्रपोज कर देता है और ये सब जब नोबिता देखता है तो उसका जो माया का कहानी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ था वो सब एक बार में ही खत्म हो जाता है और नोबिता कबीर सिंह टाइप का बन जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो खत्म हो गया यार, मैं तो अब मैं इस गंदी दुनिया में और नहीं जी सकता मैं। फिर जब नोबिता का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है तो ये भाई साहब बीच चौराहे पर खड़े होकर ये बोलने लग जाते हैं कि सिजुका मैं तुझे मरते दम तक प्यार करूंगा। सिजुका मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा। अरे नोबिता तुम यहाँ पर अकेले खड़े क्या कर रहे हो?
तुझे कुछ नहीं, सॉरी डेकीजुकी, हसुबा प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। देखो डेकीजुकी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम शिजुका को पक्का खुश रख पाओगे, उसका ख्याल रखना। देखो डेकीजुकी, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल कभी मत दुखाना। तो बस यार, इस वीडियो को यहीं तक खत्म कर देता है। और जाते जाते दिल टूटे आशिक उकले एक शायरी बोल के तो जरूर जाएंगे। तो शायरी कुछ ये है कि नशा तो है दारू की बोतल में और जहर है औरत की बेवफाई में। अभी मैं कविता शुरू ही नहीं किया हूँ। तो नशा तो है दारू की बोतल में और जहर है औरत की बेवफाई में, हम सभी ने तो किया था सच्चा प्यार, लेकिन हम सबके प्यार का कोई कद्र नहीं करता, और किसी लड़के का दिल टूट जाए तो उसके दर्द को भी कोई नहीं समझता। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है।